क्या हो अगर हम आपको बताएं कि जो सबका पेट भरता है उसका खुद का, खुद के परिवार का पेट पूरी तरीके से खाली है। क्या हो अगर हम आपको बताएं कि हजारों बच्चों को भरपेट खाना खिलाने वाला खुद अपना पेट भरने में असमर्थ है। जी हाँ, सही सुना आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ में गौरांशु श्रीवास्तव। अंबेडकर नगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अंबेडकर नगर जनपद के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों को 3 से 5 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है। आप सोच कर देखिए कि अगर आपकी 1 महीने की जो सैलरी है वो थोड़ी देरी से क्या है, आपका पूरा का बजट बिगड़ जाता है। सोच कर देखिए इन रसोइयों का दर्द जिन्हें मात्र 1500 रुपये मिलते हैं इतनी मेहनत के, लेकिन कहाँ ही मिल पाते हैं। रसोइयों की रसोई खुद अब एकदम सूनी हो चुकी है। सिर्फ 1500 रुपये पाने वाली रीता का एक बेटा अंधा है, लेकिन इसके बावजूद वो बस आंसू बहाने के लिए मजबूर है। 5 महीने का सर मिला है। परिवार कैसे बताएं सर, वही 2-3 बच्चे हैं, एक लड़का हमारा अंधा है। अब यही से कौन से कहन वेतन बढ़ जाए तो हमारे लोग का मिल जाए कुछ पैसा। वही बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली पूनम कहती है कि उनका पति नकारा है, यानी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। मानदेय सिर्फ 1500 रुपये है, लेकिन वो भी नहीं मिलता। और क्या, हम लोगों को इतना मेहनत पड़ता है, हम लोगों का 1500 रुपया मिलता, हम लोग कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं। 450 इसमें बच्चे हैं, परिवार चलता है, आदमी भी ना लायक है। हम लोग यही स्कूल के भरोसे रहते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे चलाते हैं हम लोग। वही रसोइयों की जिंदगी जीने वाली कमला के बाल पक चुके हैं। बच्चे मजदूरी करते हैं तो उससे उनका घर चलता है। उनका कहना है कि अगर इनके भरोसे बैठे तो भूखे मर जाएंगे। और 1500 रुपया मिलता है, यह महंगाई साहब का है, हमारे लोग के मेहनत इतना पड़ता है। आपका परिवार कैसे चल रहा है? और बच्चे कमा रहे हैं, इसी उसी मजदूरी कर रहे हैं, उसी से चल रहा है। और कैसे, अब वही भरोसे रही हमारे लोग तो खाए भी ना मर जाए। आप खुद सोच कर बताइए कि आज के समय में 1500 रुपये क्या ही होते हैं। इसके बावजूद इन बेचारों को वो भी इतने महीनों से नहीं मिला है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेन्द्र प्रताप सिंह का इस पर सीधे सीधे यही कहना है कि अभी शासन से पैसा नहीं मिला है, जैसे ही शासन से धन का आवंटन होगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। सुनिए आप भी। नहीं, वेतन मानदेय उनका जितना भी धनराशि प्राप्त हुई थी दिसंबर तक सभी का दे दिया गया है, और जो अवशेष धनराशि बची थी 18 लाख उसमें जनवरी माह का कटहरी और अकबरपुर का चला गया है, बाकी जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी उनके भेज दिया जाएगा। अधिकारी जी ने तो बड़े ही आराम से कह दिया कि जैसे ही बजट आएगा वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या जितनी आसानी से उन्होंने बात कह दी है उससे उन रसोइयों का पेट भर जाएगा? क्या उनके बच्चे जो भूख से बिलबिलाते होंगे उनको रोटी मिल जाएगी? या सिर्फ 1500 रुपये की आस में आंच बर्दाश्त करने वाले रसोइयों के हिस्से आएगा सिर्फ और सिर्फ इंतजार? सोचकर बताइएगा। नमस्कार।